गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मयंक झुंझुनवाला एंड आई एम बीटेक अंडर ग्रेजुएट एट आईआईटी कानपुर. आई एम फ्रॉम कानपुर ओनली एंड टुडे वी विल गोना सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑन द चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर फ्रॉम फिजिक्स. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर इज बेसिकली अ चैप्टर इन फिजिक्स वेयर वी स्टडी हाउ लाइट कैरीज एनर्जी, हाउ लाइट ट्रांसफर्स मोमेंटम एंड ऑल. मतलब लाइक इसमें ये पढ़ते हैं कि जो लाइट एनर्जी है उससे अपने को कैसे एनर्जी मिलती है, कैसे उसमें मोमेंटम होता है, कैसे अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने सुना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या प्रिंसिपल होता है, और मतलब लाइट में एनर्जी भी होती है, लाइट मतलब प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब अपन लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में पढ़ते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसमें मेन चीज तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है पढ़ने को, तो अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. मेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 11.1. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन 11.1. इसमें अपने को क्या बोला है, इसमें अपने को बोला है फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरसाइज प्रोड्यूस बाय 30 kV इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दी हुई है अपने को दिया हुआ है पोटेंशियल कितना 30 kV. मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल इज इक्वल टू 30 kV. ठीक है, अपन इस पोटेंशियल को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं कैसे, अपने को पता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है एक्सरेस एक्सरेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपने को पता है अपन एनर्जी को लिखते हैं कैसे, एनर्जी इज इक्वल टू अपने को पता है जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है या किसी चीज की एनर्जी होती है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल क्यू भी होता है. इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज अपन ई लेते हैं, ई मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी ई मतलब ई मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल 30 kV. ठीक है, तो अपनी एनर्जी कितनी हो जाएगी, अपनी एनर्जी हो जाएगी 30,000 30 kV है तो उसको हमने वोल्ट चेंज कर लिया तो 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये हो जाएगी अपनी एनर्जी. ठीक है, इन किलो वोल्ट में मतलब अब इतना किलो वोल्ट है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ किलो वोल्ट. ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, तो अभी इसके बाद अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है फ्रीक्वेंसी. अपने को पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है ई इज इक्वल टू एच न्यू करके अपने लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाई न्यू. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से न्यू निकाल सकता हूँ, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एच, ई डिवाइड बाई एच दैट इज इक्वल टू ई कितना है अपना, ई है 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹. ठीक है, डिवाइडेड बाय अपने एच, और एच क्या होता है, जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 10 पावर, लॉग 10⁻¹⁴, 10⁻¹⁴. ठीक है, तो अपन ऐसे करके सॉल्व कर लिया इसको. ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके अपन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेंगे. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आती है 7.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 18 हर्ट्ज़. अपने को पता है फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज़ होती है ऐसा यूनिट में. ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा, सेकंड पार्ट में अपन से पूछा मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, तो वेवलेंथ भी अपन निकाल सकते हैं. अपने को पता है कि जो सी होता है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अपन यहीं से कर लेते सॉल्व इसको. तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे वेवलेंथ इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी. सी कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय log of 10 पावर 8 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली अपन ने, 7.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 18. ओके, सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 4.14 × 10⁻¹⁰, 4.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻¹⁰. ऑब्वियसली क्योंकि मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये मीटर्स में आएगी, इसको अपन नैनोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं.
ताकि इजी दिखे, नैनोमीटर में चेंज करेंगे तभी हो जाएगा कितना, हो जाएगा 0.0414 नैनोमीटर। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लगाया है बेसिकली, बाकी आसान क्वेश्चन था ये। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 11.2। इसमें क्या बोला अपने को, अपने को वर्क फंक्शन दिया हुआ है सीजन मेटल का। ठीक है, तो मैं वर्क फंक्शन लिख लेता हूँ सीजन मेटल, वर्क फंक्शन सीजन मेटल में कितना दिया हुआ है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसका हमसे क्या बोला है, अपने से बोला है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 6 × 10^14 हर्ट्ज, 6 × 10^14 हर्ट्ज। ठीक है, अभी अपने से क्या बोला, अपने से बोला है व्हाट इज द, अच्छा ये इंसिडेंट है मटेरियल सरफेस पर, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, हमसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो वैसे निकालेंगे, अपने बताया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। मैं वर्क फंक्शन को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करूँ, ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, वर्क फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे वर्क फंक्शन को ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एच न्यू, एच न्यू हो जाएगा 6.626 × 10^-34 × न्यू कितना है, फ्रीक्वेंसी, 6 × 10^14, 6 × 10^14। ठीक है, लेकिन क्योंकि जूल्स में आएगा और अपना वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो अपने को जूल्स को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो ओपन कैसे चेंज कर सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहले ये जूल्स में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करेंगे, 1.6 × 10^-19 से डिवाइड करके। ठीक है, अब ये जूल्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया, इतना हो गया माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसको जब अपन सॉल्व करेंगे तभी आ जाएगा कितना, तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 2.485 माइनस 2.14 और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 0.345 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने को निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को पता क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको मैं वी नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वी नॉट से। ठीक है, तो अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के डिवाइड बाय ई, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी अपन ने निकाल ली है, कितनी आई है 0.345, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है, तो उसको जूल में चेंज कर देंगे वापस, कैसे, 1.6 × 10^-19, अभी जूल्स में हो गई, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10^-19, यही होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 0.345। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्वियसली इन वोल्ट्स। ठीक है, इसके बाद अपन से अगले पार्ट में क्या पूछा है, इसके बाद अपन से अगले पार्ट में पूछा है क्या, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो अपन के फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से अपन वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/m, दैट इज इक्वल टू 2 × k, के कितना है 0.345 × 10^-1.6 × 10^-19 इसमें डिवाइड बाय m, और m कितना था अपना, हम m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 × 10^-31। जो सबको बता होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10^-31 इन kgs। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपने पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी,
अपन सॉल्व करेंगे तो अपनी 20 पर की वैल्यू आ जाएगी 0.1104, 0.1104 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 12, 10 पावर 12, ठीक है। और फिर अपन यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे इसका अंडर रूट करके, जब अपन यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे तो वो जाएगा इसका अंडर रूट, और वी की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 332.3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0.3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, सिंपल था, बस बेसिकली फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, बाकी तो इजी था। 11.3, ठीक है। अपन से इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने से इस क्वेश्चन में बोला गया है द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, फोटो इलेक्ट्रिक का कट ऑफ वोल्टेज जाओ 1.5 वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपन ने ऊपर भी देखा था कि अपने को कट ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है, अपने को यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय कट ऑफ वोल्टेज विच इज वी नॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, सॉरी, कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट, एंटर। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू, अपने को पता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -19 मल्टीप्लाइड बाय कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट, जो कि अपने को दिया हुआ 1.5। तो अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने फाइनल, अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -19 जूल्स, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। 11.4, इसमें क्या बोला अपने को, तो बोला है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस बाय हीलियम नियॉन लेजर, और अपने को बोला है कि द पावर एमिटेड दी हुई है, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम, अपने को एनर्जी बतानी है, ठीक है। एनर्जी अपने को पता है कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, एच सी बाय लैमडा, एच सी बाय लैमडा, चलो ठीक है, वेवलेंथ। तो अपन कैसे करेंगे इसको, अपन इसको करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे करते हैं कैसे, एक्स बाय लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं। एक्स अपने को पता है 6.6 10 पावर -34 होता है, चलो मैं खुद ही कर देता हूँ, 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -34 मल्टीप्लाइड बाई सी, अपने को पता है कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपनी लैम्डा मतलब वेवलेंथ, और लैम्डा अपने को दी हुई है कुछ नहीं दिखती, 632.8 नैनोमीटर, मतलब 632.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -9, क्योंकि नैनोमीटर में है ना इसलिए, तो ये से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब अपन इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आ जाएगा, और फाइनल आंसर कितना आएगा 3.141, 3.141 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -19, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने इसका फाइनल एनर्जी का आंसर, ऑब्वियसली जूल्स में आएगा। इसके बाद अपने से क्या पूछा है, अपन से पूछा है मोमेंटम निकालने को। मोमेंटम सिंपली अपने को मोमेंटम का फॉर्मूला पता ही होता है, एच बाय लैम्डा होता है, पी इज इक्वल टू एच बाय वेवलेंथ मतलब लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एच अपने को पता है, एच वैल्यू डाल दो, 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -34 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, और वेवलेंथ आपको पता ही है क्वेश्चन में दी गई है कितनी है, 632.8 नैनोमीटर, 632.8 नैनोमीटर है। तो इसको मीटर में देते हैं वापस, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9 से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तब तो इसको सॉल्व करने पर अपना फाइनल आंसर आएगा 1.047, 1.047 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -27, 10 पावर -27, ठीक है। और अपने पता है क्योंकि ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम की यूनिट होती है मास इनटू वेलोसिटी, की यूनिट मतलब kg m/s, ठीक है। तो ये हो गया अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर अपने सेकंड पार्ट में क्या पूछा, अपने सेकंड पार्ट में पूछा हाउ मच फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज अराइव एट द टारगेट रेडिएटेड बाय द बीम, कितने फोटॉन्स आते हैं पर सेकंड। तो अपन अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स को एन माने तो अपने को पता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू पी बाई ई, ठीक है। यहाँ पे पी क्या है,
यहाँ पे पी अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, पी 9.42 मिलीवॉट, पी मतलब पावर, और पावर अपने को दी हुई है 9.42 मिलीवॉट डिवाइड बाय एनर्जी, एनर्जी अपन ने निकाल ली। ठीक है तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो अपने पास आ जाएगी नंबर ऑफ फोटॉन्स को मैं एन मान लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू पावर, ताकि कंफ्यूजन ना हो, डिवाइड बाय एनर्जी। ठीक है दैट इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय एनर्जी, दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट लाइन देता हूँ, पावर डिवाइड बाय एनर्जी, पावर अपने को कितनी दी हुई है 9.42 मिलीवॉल्ट, 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 10^-3, ताकि मैं इसको वापस वाट में चेंज कर सकूँ, डिवाइडेड बाय एनर्जी, एनर्जी अपन ने कितनी निकाली 3.141 मल्टीप्लाइड बाय 10^-19। ठीक है फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आएगा जो कि कितना होगा 3 × 10^16, 3 × 10^16, और ऑब्वियसली फोटॉन्स निकलेंगे पर सेकेंड। ठीक है पर सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला अपने से, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बोला है हाउ फास्ट द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटॉन। तो ऑब्वियसली बात है अपने को वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं मोमेंटम से, मोमेंटम होता है एमवी, अपने को मोमेंटम पता है पी कितना है, अपने निकाल लिया 1.047 × 10^-27 डिवाइडेड बाय मास ऑफ फोटॉन, सिंपल है। ठीक है तो अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं, अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तब अपना, चलो मैं आप देखता हूँ वेलोसिटी ऑफ फोटॉन पूछा है ना अपने से, हाँ तो वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, फोटॉन नहीं प्रोटॉन, हाँ फोटॉन सॉरी, फोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम कितना निकाला था अपन ने 1.047 मल्टीप्लाइड बाय 10^-27, इतना तो आ जाएगा अपना क्या बोलते हैं मोमेंटम डिवाइडेड बाय अपना मास, मास कितना होता है, मास होता है 1.66 × 10^-27। ठीक है 1.66 × 10^-27। ठीक है फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा कितना 0.621 मीटर पर सेकेंड, 0.621 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी में 0.621 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ही होती है। ठीक है तो अपने को अपन ने अभी क्या किया, लास्ट पार्ट में अपन ने निकाला कि हाइड्रोजन आइटम की वेलोसिटी कितनी होगी जिससे कि उसका मोमेंटम और फोटोन का मोमेंटम सेम हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है अपन ने फोटोन का मोमेंटम ले लिया, और अपन ने क्या किया डिवाइड कर दिया हाइड्रोजन आइटम के मतलब प्रोटोन के मास से, प्रोटोन का मास से, प्रोटोन का मास अपने को बताया 1.6 × 10^-27 होता है, तो अपन इसको सॉल्व किया अपना फाइनल आंसर आ गया 0.621 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जिसको समझ में आया कि ये मास 1.6 × 10^-27 कैसे लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि अपने को बताया कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक फोटोन होता है, सिर्फ एक प्रोटोन होता है, और प्रोटोन का मास होता है 1.6 × 10^-27 kg, सो अपन ने इसलिए 1.66 × 10^-27 से डिवाइड किया है। समझ में आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना है, स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.12 मल्टीप्लाइड बाय 10^-15 V/s, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है इट्स इजी क्वेश्चन, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को क्या दिया हुआ है, देखो अपने को दिया हुआ है कट ऑफ वोल्टेज वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ का स्लोप दिया हुआ है जो कि है 4.12 × 10^-15, तो अपने को पता है कट ऑफ वोल्टेज वर्सेज फ्रीक्वेंसी इसका स्लोप होगा तो कितना हो जाएगा, अपन कट ऑफ वोल्टेज को क्या मान रहे हैं वी नॉट, तो अपने को दिया हुआ है वी नॉट डिवाइड बाय इसका ग्राफ ये है वी नॉट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, तो अपने को इसकी वैल्यू दी हुई है, ये अपना स्लोप हो गया, तो स्लोप कितना दिया हुआ है अपने को 4.12 × 10^-15। ठीक है अपने को ये दिया हुआ है, और फिर अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा है वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, हाँ तो अपन इस वैसे कर सकते हैं ना, अपने को पता है कि जो अपना एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू,
और वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, मतलब ई इंटू कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट। ठीक है, अपन क्या किया, अपन ने दो एनर्जीज को बराबर किया है, बस और कुछ नहीं किया, दो एनर्जीज को बराबर किया है। ठीक है, एच न्यू इज इक्वल टू ई वी नॉट। फिर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर अपने क्या करेंगे, अपन यहाँ से एक काम कर सकते हैं, अपने को वी बाई वी नॉट पता है, अपने को एच की वैल्यू चाहिए, तो बस निकल गई एच इज इक्वल टू ई टाइम्स वी बाई वी नॉट, ई टाइम्स वी नॉट बाई वी, सॉरी वी नॉट बाय वी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने इक्वल अपने पता होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10^-19। ठीक है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट बाई वी, और वी नॉट बाई वी की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, वो है 4.12, 4.12 मल्टीप्लाइड बाय 10^-3। ठीक है, तो अपन जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने को एच की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, मतलब अपने को पता रहती है, लेकिन फिर भी अपने से इस क्वेश्चन में पूछा तो अपने को निकालनी पड़ेगी, तो हो सकता है कुछ अलग आ सकती है वैल्यू, इसलिए अपने को ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। और जब अपन को सॉल्व करते हैं तो वही अप्रोक्सीमेटली आती है 6.592 मल्टीप्लाइड बाय 10^-34, और इसकी जूल जूल पर सेकंड होती है, सबको पता है। ठीक है, तो अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो अपने को पता चला कि एच की वैल्यू 6.636 नहीं आ रही, जबकि एक्चुअली में वही होती है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा डेटा लगता है तो अपने फाइनल आंसर की वैल्यू भी लगाएगी, तो अपन यहाँ से तो अपन एच की वैल्यू डायरेक्टली नहीं सकते, अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.6। इसमें अपने से क्या बोला है, इसमें अपने से बोला है कि अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, कितनी मैं लिख लेता हूँ, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाउ मच, 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10^14, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10^14 हर्ट्ज। ठीक है, अपने से क्या बोला है, लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है अपने को, लाइट की फ्रीक्वेंसी मतलब वी दिया हुआ है कितना, 8.2 मल्टीप्लाई बाई 10^14, 8.2 मल्टीप्लाई बाई 10^14 हर्ट्ज। ठीक है, अपने से क्या बोला है, और अपने से बोला है कि प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए अपने को कट ऑफ वोल्टेज बताना है। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे, अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दी हुई है, अब अपने को कट ऑफ वोल्टेज बताना है, कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, वी नॉट होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मास्टर फॉर्मूला है वो क्या है, वो है काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू अपना वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, मतलब मैंने अभी जो बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, सॉरी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, ओ से रिप्रेजेंट किया जाना, अपन ने ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ओ क्या है, वर्क फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ओ। ठीक है, तो अपने को पता है, मतलब ये सिंपल है वर्क फंक्शन का। ठीक है, तो अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं ई मल्टीप्लाई बाय कट ऑफ वोल्टेज, मतलब ई कट ऑफ वोल्टेज क्या है अपना, वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को चलो मैं एक बार फाइल लिख देता हूँ। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज निकालना है, कट ऑफ वोल्टेज कौन सा वोल्टेज हुआ, कट ऑफ वोल्टेज वही वोल्टेज हुआ जो अपने को, मतलब कैसे बताऊँ मैं, मतलब जो अपने जिससे अपने को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वही वाला कट ऑफ वोल्टेज वही वोल्टेज होता है, मतलब यहाँ से अपने को वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो अपन वी नॉट की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू माइनस पाई डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, तो अपन यहाँ से निकालेंगे, अपने को पता है कि अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10^14, और अपने को दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन, जो फ्रीक्वेंसी है वर्क फंक्शन के लिए होती है उसी को अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो अपना 5 हो जाएगा एच मल्टीप्लाई बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो अपना वी नॉट कितना हो गया, वी नॉट हो गया एच मतलब 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10^-34 मल्टीप्लाइड बाय न्यू, न्यू कितना दिया हुआ है 8.2 मल्टीप्लाइड बाय 10^14, 8.2 मल्टीप्लाइड बाय
10 पावर 14 माइनस, अपन ने क्या किया, वर्क फंक्शन को भी एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर्म लिख लिया, तो एच कॉमन आ गया। अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी अपन यहाँ लिख देंगे, वो अपने कितनी दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी अपने दी हुई है 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 15। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, दिस मच डिवाइडेड बाय अपना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 19, ठीक है। फिर अपन जब उसको सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, वी नॉट का। और वी नॉट क्या अपने, वी नॉट है अपनी फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वोल्टेज मतलब एक्चुअली, क्योंकि क्या किया अपन ने, काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं ई मल्टीप्लाइड बाय कट ऑफ वोल्टेज, अपने काइनेटिक एनर्जी को लिख लिया ई मल्टीप्लाइड बाय कट ऑफ वोल्टेज। एच न्यू क्या अपना टोटल एनर्जी, और ओ क्या अपना, ओ है अपना वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को अपन ने क्या लिख लिया, वर्क फंक्शन को अपन ने लिख लिया एच मल्टीप्लाइड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद अपना फाइनल आंसर आएगा 2.0292, 2.0292 वोल्ट्स, ठीक है। समझ में आया, मैं यहाँ पे क्लियरिटी लिख देता हूँ, वर्क फंक्शन ओ इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन ओ इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी मैं आगे चलता हूँ, 11.7, ठीक है। इसमें क्या बोला अपने को, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, अपने को बोला है कि विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंक्रीजिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर्स, मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अपने को एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो अपन पहले तो एनर्जी निकालते हैं, ई कैसे निकालेंगे, एच सी बाय लैम्डा, एच सी डिवाइड बाय वेवलेंथ, ठीक है। अपने को पता है, अपने को एच की वैल्यूज पता है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई सी, सी कितना होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी हुई अपने क्वेश्चन में, वेवलेंथ दी हुई है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वेवलेंथ कितनी दी है 339 नैनोमीटर, 339 नैनोमीटर, ठीक है। अपन यहाँ से जब एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, अपना फाइनल आंसर आएगा 6 × 10 पावर माइनस 19, 6 × 10 पावर माइनस 19 ऑब्वियसली इन जूल्स, ठीक है। अपने को पता है कि अपने को सबसे पहले तो अपन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट थिंग 6 × 10 पावर माइनस 19, 6 × 10 पावर माइनस 19 को अपन डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 19 से, तो अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपन ने यहाँ से क्या देखा, अपन ने यहाँ से ये देखा कि जो अपनी एनर्जी आ रही है 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो अपने को जो क्वेश्चन में एनर्जी दी हुई है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि उसका वर्क फंक्शन है उससे भी ज्यादा है, मतलब वर्क मतलब जो अपने पास टोटल एनर्जी आ रही है फोटो इलेक्ट्रिक मशीन के लिए, वो अपने वर्क फंक्शन से भी ज्यादा है। और वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है वो वाली एनर्जी जिसके लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स जस्ट मेटल से एमिट होते हैं, जो अपने वर्क फंक्शन की एनर्जी ही टोटल एनर्जी से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वो एमिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपने को कम से कम वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, लेकिन अपनी टोटल एनर्जी है 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपनी वर्क फंक्शन की एनर्जी है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑब्वियसली बात है कि वर्क फंक्शन की एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लेट मी राइट इन वर्ड्स, सिंस वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 11.8, सॉरी गाइस, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 11.8, व्हाट वी हैव आस्क्ड, वी हैव आस्क्ड दैट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑफ द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड दी हुई है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल क्वेश्चन, वी हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला व्हिच वी आर अप्लाइंग फ्रॉम मच टाइम, सेम फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू
टोटल एनर्जी विच इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन जिसको अपन लिख लिया था एच न्यू नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन और एच न्यू से टोटल एनर्जी। तो यहाँ से अपन लिख लेंगे, अपने क्या दी हुई है, अपने को दिया हुआ है मैक्सिमम स्पीड ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अपने को निकालनी है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मतलब अपने को वापस म्यू नॉट निकालनी है, तो एच मल्टीप्लाइड बाई न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो अपन यहाँ सॉल्व कर लेंगे किसके लिए, न्यू नॉट के लिए, मतलब अपने को एम पता है, एम है अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10^-31, और अपने को पता है वेलोसिटी, अपने को वी दी हुई है, अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7.21 मल्टीप्लाइड बाई 10^14 हर्ट्ज, अपने को एच पता है 6.626 10^-34 होता है। तो अपने को सब पता है, अपने को न्यू नॉट निकालना है। तो अपन जब न्यू नॉट के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व करेंगे, तो अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, सॉल्व करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा 4.738 मल्टीप्लाइड बाय 10^14 हर्ट्ज, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला अपने तीन चार बार लगा दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को बॉक्स कर देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत काम का, मतलब बहुत बार काम आएगा, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का फॉर्मूला है, इसको मतलब याद कर लेना, इस चैप्टर में यही बार बार काम आएगा। इसको मैं ऊपर भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, ओके। वेयर ओ इज आर वर्क फंक्शन, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से क्या बोला, 11.9, इसमें अपने से क्या बोला है, इसमें अपने से बोला है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस बाय एन आर्गन लेजर विच इज यूज इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन द एमिटर, द स्टॉपिंग वोल्टेज दिया हुआ है अपने को 3.38 वोल्ट। स्टॉपिंग वोल्टेज मतलब वही काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट वाला, और वर्क फंक्शन में निकालना है। अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, अगेन वी हैव टू राइट द सेम फॉर्मूला, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, अपने को इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है निकालना क्या, सॉरी वर्क फंक्शन निकालना है, मतलब अपने को एच न्यू नॉट निकालना है, और अपने को दिया हुआ है एच दिया हुआ है, अपने को काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है मैक्सिमम कितना है, वेवलेंथ दी हुई है लाइट की, अच्छा लाइट की वेवलेंथ दी हुई है, अपने को कट ऑफ पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब अपने को काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी अपन कैसे निकाल सकते हैं, ई मल्टीप्लाई बाय कट ऑफ पोटेंशियल से, और अपने को दिया हुआ है वेवलेंथ 488 नैनोमीटर। तो अपन को सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपन कट ऑफ वो पोटेंशियल दिया हुआ है 0.384, तो सबसे पहले तो अपन वो निकाल लेते हैं, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, इसको अपन एच लिख रहे हैं, मतलब एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं उसको, एच सी बाय लैम्डा मतलब एच सी बाय वेवलेंथ, क्या किया मैंने, मैंने बस एच न्यू, मतलब जो एच न्यू है अपना टोटल एनर्जी, उसको मैंने लिख लिया एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि अपने को वेवलेंथ दी हुई थी, माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई मल्टीप्लाई बाय कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो अपन यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, पहले सेकेंड वही डालेंगे 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10^-34, फिर हो जाएगी अपनी एच की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10^8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ अपने कितनी दी हुई है 488 नैनोमीटर, 488 नैनोमीटर दी हुई है, 10^-9 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर करने के लिए, माइनस ई वी नॉट, माइनस ई वी नॉट, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10^-19 मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट, वी नॉट कितना दिया हुआ है 0.38 वोल्ट्स, 0.38 वोल्ट्स, ठीक है। और अभी अपने को इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, अपने को वी नॉट दिया हुआ है वोल्ट्स में, लेकिन अपने को एक्चुअली चाहिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है, क्योंकि एक मिनट थिंक, या चलो अपन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं इसको, कन्वर्जन बाद में कर लेंगे। तो अपन इसको यहाँ से निकालेंगे, तो अपना मान लो आंसर कितना आएगा, अपना आंसर मान लो कुछ एक आता है, ठीक है।
तो जो अपना फाइनल आंसर आएगा ये अपना आंसर आएगा जूल्स में, क्योंकि अपने पूरी कैलकुलेशन वोल्ट्स में की है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में नहीं की है। 6.626 इंच टेन पावर 34 जूल्स में, 3 इंच टेन पावर 8 मीटर पर सेकंड में, 480 इंच टेन पावर -9 मीटर है, 1.6 इंच टेन पावर -19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कूलम्स में, मल्टीप्लाइड बाय 0.38 जो कि है वोल्टेज। तो मान लो अपना फाइनल आंसर आता है एक्स जूल्स अपने को, लेकिन अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को फाइनल आंसर निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालने के लिए अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो जाएगा एक्स डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -19। ये अपना फाइनल आंसर आएगा जो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब अपन कोई चीज को सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कुछ नहीं किया अपन ने, अपन ने वापस ये वाला फॉर्मूला लगाया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अपन ने एच न्यू को लिख लिया एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में वेवलेंथ दी हुई थी, अपने को कट ऑफ वोल्टेज दिया हुआ था, अपन ने वहां से पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल ली जूल्स में, बाद में उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -19 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है अपने को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपने को पता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये पता ही होगा, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ सब एच अपॉन एम वी, सॉरी, ठीक है, यहाँ से अपन निकालेंगे। अपने को पता है फर्स्ट पार्ट का अपन से पूछा है मास दिया हुआ है वेलोसिटी दी हुई है, तो सिंपल है वैल्यू जाननी है 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -34 डिवाइड बाय एम वी। एम कितना है, एम है, एम कितना दिया हुआ है 0.040 kg, और वी कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब अपने को इसको मीटर पर चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड पर चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने को दिया हुआ है ना किलोमीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेट करता हूँ, अपना आंसर आ गया अपना 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -35। ठीक है, कितना आएगा, क्योंकि ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑब्वियसली मीटर में आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से पूछा है बॉल का मास दिया हुआ है, फिर स्पीड दी हुई है, सेम क्वेश्चन है, तो मैं सेकंड पार्ट नहीं कर रहा, सेम क्वेश्चन है। और फिर थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में अपने को दिया हुआ है मास ऑफ 10 पार्टिकल, मास ऑफ 10 पार्टिकल उसकी स्पीड दी हुई है, सेम टू सेम क्वेश्चन है तीनों पार्ट में, अपने को बस वैल्यूज डालनी है एम और वी की, सेम क्वेश्चन है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 11.11। तो इसमें क्या पूछा अपने से, तो अपने बोला है कि शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम। अपने को दिखाना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन के बराबर होती है, तो अपन इसको दिखा सकते हैं। अपने को पता है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है एच बाय लैम्डा, एच बाई लैम्डा मतलब लैम्डा एच बाई वेवलेंथ। ठीक है, ये होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो यहाँ से अपन वेवलेंथ निकाल लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगी अपनी वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम को मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपना आ जाएगा वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय पी। ठीक है, और अभी अपने को पता है कि एच अपॉन पी अपना हो गया वेवलेंथ, अपने को पता है कि एम होता है मास ऑफ प्रोटॉन, वी होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो और अपने को एक चीज और पता है कि जो अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखते हैं, जो अपने से पूछा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, तो अपन डी ब्रॉगली लिख लेते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू, अपने को पता है क्या होता है, ये होता है एच डिवाइड बाय एम वी। लेकिन अभी यहां से अपन देख सकते हैं कि ऊपर से जो वेवलेंथ आ रही है एच पॉइंट पी, और नीचे से जो वेवलेंथ आ रही है एच पॉइंट एम वी सेम है, क्योंकि क्योंकि जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज सेम है, तो मतलब इसको भी अपन इक्वल टू एच पॉइंट पी लिख सकते हैं। ठीक है, हेंस मोमेंटम ऑफ फोटोन मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स फोटोन, मतलब क्वांटम, क्वांटम मतलब क्या होता है, क्वांटम में भी
एक क्वांटा होता है, क्वांटा होता है जिसमें अपने चार जिसमें अपने फोटोन के पैकेट्स होते हैं, तो एक क्वांटा के सिंगल यूनिट को फोटोन बोलते हैं। तो उस फोटोन का डी ब्रॉग्ली वेलोसिटी होता है एच अपॉन एमवी, एमवी होता है मोमेंटम, तो अपन ने एमवी को पी लिख लिया था एच अपॉन पी, और ऊपर से अपन ने निकाला था कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पी अपन एच अपॉन लैम्डा लिखते हैं, मतलब एच अपॉन पी लिखते हैं। तो अपन ने ऐसे दिखा दिया कि दोनों चीज सेम है और ये चीज तो अपने को शो करनी थी। हेंस इसको अगर मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज शोन दैट बोथ आर सेम। ठीक है, समझ में आया। मैंने एक बार क्या किया, मैंने एक बार निकाल लिया वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एच अपॉन पी से, फिर मैंने क्या किया डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ निकाल लिया एच अपॉन एमवी से। लेकिन जो अपना एमवी होता है वो होता है मोमेंटम, और मोमेंटम को अपन लिख सकते हैं पी, तो अपन ने लिखा दिया कि दोनों एच अपॉन पी आ रहे हैं, हेंस मोमेंटम हेंस वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ये चीज अपने को दिखानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो अपन ने क्या क्या बेसिकली, अपन ने बेसिकली इस एक्सरसाइज में देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर में, दूसरा डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ का भी कॉन्सेप्ट अपने को बताना चाहिए, और बेसिकली चैप्टर में अपन ने वही पढ़ा कि लाइट से क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, क्या मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। तो यही सब इस चैप्टर में, इसमें मतलब बेसिकली ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है कि वर्क फंक्शन कौन सा होता है, वर्क फंक्शन वाला वाली एनर्जी होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जस्ट मेटल से एमिट होते हैं, तो अगर अपने को उतनी एनर्जी मिल रही है जिससे कि इलेक्ट्रॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन से मिटोरियस, इसका मतलब अपने पास वर्क फंक्शन में एनर्जी है। तो अगर अपनी एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम है, इसका मतलब वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। कट ऑफ वोल्टेज वो होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो अपने को वोल्टेज चाहिए होता है वो होता है कट ऑफ वोल्टेज। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द वर्क फंक्शन। तो अगर अपने कोई छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पता है तो अपनी वाली एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।